गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट टू वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट टू वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 12। कह रहा है कि रूट 3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है। छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। चलिए मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे ये धरती के तल पर एक बांस, यहाँ पे ये आपका बांस का वृक्ष खड़ा है, ठीक है। बांस का वृक्ष क्या कह रहा है कि रूट 3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष, अच्छा यह है रूट 3 मीटर ऊंचा, ठीक है। इसका छाया जो है, मान लेते हैं यह छाया की लंबाई है जो कि 3 मीटर की है, तो क्या कह रहा है, छाया के अंतिम बिंदु से, छाया के अंतिम बिंदु यहाँ हो गया, बांस के शिखर, बांस का शिखर यह हो गया, का उन्नयन कोण बताना है, यानी कि यह वाला कोण क्या होगा यह आपको बताना है, ठीक है। यही कोण आपको निकालना है, इसको थीटा मान लेते हैं। तो माना माना छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण थीटा है। उन्नयन कोण क्या है आपके पास, थीटा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखो आप टेन थीटा लगाओ, क्योंकि लंब आधार की बात कर रहा है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार। चलिए तो टेन थीटा, लंब कितना है आपके पास, तो रूट 3 मीटर और आधार है 3 मीटर, ठीक है। इसको काट देंगे 1/√3, तो टेन थीटा बराबर 1/√3 कितना का होता है टेन में, तो टेन 30 डिग्री का होता है, तो टेन से टेन हटा दिए, थीटा बराबर में 30 डिग्री, यानी कि जो हमें कोण निकाला था वह अभीष्ट कोण क्या हो गया, अभीष्ट कोण जो था वह आपका कितना आ गया, 30 डिग्री का कोण आ गया, ठीक है। वह कोण आपका 30 डिग्री का हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। कह रहा है टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के 1/√3 गुनी है, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। चलिए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपका यह टेलीफोन का खंभा हो गया, टेलीफोन का यह खंभा हो गया, ठीक है। अब इस खंभे के छाया की लंबाई यह है, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है कि टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसके छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है, तो छाया की लंबाई x मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा 1/√3x, यही ना होगा जी। कह रहा नहीं, खंभे की लंबाई उसके छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है, तो छाया की लंबाई x मान लेते हैं, 1/√3x हो जाएगा। चलिए तो हमें क्या निकालना है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण यह निकालना है। तो माना प्रकाश स्रोत का, प्रकाश स्रोत मतलब समझ रहे हो ना, इधर से कहीं से लाइट आ रहा होगा, ठीक है, और तभी ना यहाँ पे इसका छाया यहाँ पे बन रहा है, जाहिर सी बात है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण थीटा है। अच्छा माना खंभे की छाया की लंबाई एक्स है, तो छाया की लंबाई एक्स है, तो खंभे की लंबाई क्या हो जाएगी, खंभे की लंबाई जो होगा वह 1/√3x हो जाएगी, क्योंकि उसकी 1/√3 गुनी है। चलिए यहाँ पे टेन थीटा लगाएंगे, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि 1/√3x और बटा में एक्स, एक्स एक्स काट दो, 1/√3 टेन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, टेन 30 का ही ना जी, टेन टेन हट गया, थीटा बराबर में 30 डिग्री, यानी कि जो हमारा प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण था, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण वह क्या हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा, उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री हो गया। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। कह रहा है 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर की दूरी पर है, तो प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। समझिए, मैं यहाँ धरती का एक तल ले लेता हूँ, यहाँ पे आपका एक दीवार है, दीवार की लंबाई दी हुई है आपके पास, ऊंचाई दी है 25.75, और यहाँ पे प्रेक्षक है जो इस दीवार को देख रहा है 1.75 मीटर, और यह है टोटल 25.75 मीटर, तो प्रेक्षक कोई भी देखेगा तो आंख तो उसका यहाँ होगा ना जी। चलिए तो हमें यहाँ पे ये जो प्रेक्षक जो इसके दीवार की चोटी को देख रहा है, इसके द्वारा बना हुआ उन्नयन कोण निकालना है, ठीक है। तो यह कोण आपका क्या होगा यही आपको बताना है।
ठीक है, ये 1.75 है तो ये भी 1.75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसका नाम देता हूँ ए बी सी डी ई। तो आप यहाँ पे मान लो, माना माना प्रेक्षक प्रेक्षक की आँख पर दीवार दीवार की चोटी चोटी दीवार की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है, यह थीटा है। अच्छा देखो, तो आप देखो यह टोटल जो है ये डीबी 25.75 है, तो यहाँ डीसी निकालोगे कैसे, तो 25.75 मीटर में से घटा लेंगे 1.75 मीटर, यानी कि 24 आ जाएगा। ठीक है, यह आपका 24 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि दीवार से वह 24 मीटर दूरी पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ 24 मीटर है, यह भी आपका 24 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लगेंगे, लंब दिया है, आधार दिया है, तो टेन लगाएंगे, टेन थीटा बराबर होता है क्या हो जाएगा यहाँ पे डी सी बटा में ई सी, तो टेन थीटा बराबर में 24 मीटर और बटा में 24 मीटर, कट के आपका एक आ जाएगा। टेन में एक कितना का वैल्यू होता है, 45 का ना जी, टेन 45 का होता है, टेन से टेन हटा दो, थीटा बराबर में 45 मीटर, यानी कि जो हमारा अभीष्ट कोण था, अभीष्ट उन्नयन कोण, वह क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। समझ गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है, मीनार के पास से 15 मीटर दूरी पर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे एक मीनार बना लेता हूँ। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन में देखिए, एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है, हो गया, मीनार के पाद से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी के 15 मीटर दूर, यहाँ पे एक बिंदु है या 15 मीटर दूरी है इसका ए बी सी, मीनार का पाद आपका बी है, इससे इस बिंदु ए के बीच की दूरी 15 मीटर है, और इस बिंदु से मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है यह आपका दिया है कितना 60 डिग्री, यह 60 डिग्री दिया, तो मीनार की ऊंचाई निकालो, तो माना मीनार की ऊंचाई एच है, ये एच मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ टेन लगाना होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, ना लंब बटा आधार, यानी कि टेन 60 लगाएंगे, टेन 60 बराबर लंब के जगह पे एच हो जाएगा, आधार के जगह पे आपका, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं पहले बीसी लिख दो। ठीक है, या रहने दो एच बटा में 15, या देख रहे हैं ना एच बटा में 15, टेन 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर में एच बटा 15 मीटर, यही ना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच बराबर में 15√3 मीटर आ जाएगा, यानी कि मीनार की ऊंचाई आपकी आ गई, मीनार की ऊंचाई क्या हो गई 15√3 मीटर, 15√3 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, कह रहा है कि एक मीनार के पास से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या करें। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे एक भूमि का पात कर लेता हूँ, यहाँ पे एक मीनार बना लेता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि मीनार के पाद से 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु से मीनार की चोटी, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दूरी 20 मान लेते हैं, और यहाँ से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और यह दूरी कितना कह रहा है 20 मीटर कह रहा है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई एच मान लेते हैं। चलिए यहाँ मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई एच है। चलिए तो यहाँ पे टेन लगाएंगे ना, टेन थीटा बराबर में हो जाएगा लंब बटा में आधार, यानी कि टेन 30 बराबर में हो जाएगा आपका एच बटा में 20, ये आपका 1/√3 इसका वैल्यू रख देते हैं ना जी। चलिए यानी कि आपका हो जाएगा एच बटा में 20, यही ना होगा आपका। चलिए यहाँ पे ये जाके उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये जाके उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो आपका हो जाएगा 20/√3, एच बराबर में 20/√3 मीटर। चलिए इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, 20/√3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, यानी कि 20√3 और बटा में 3 मीटर। अब इसको देखो चाहो तो दशमलव में निकाल सकते हो, यानी कि 20 और देखो इसका वैल्यू 1.73, ठीक है, और फिर भाग में है आपका 3, तो इसमें से गुना कर देंगे 20 से,
ठीक है, तो गुना करोगे तो आ जाएगा कितना, 20 में गुना करेंगे 1.73 से, तो आ जाएगा आपका 34.6 और बटा में 3। ठीक है, हम लोग भाग कर देते हैं 3 से, तो 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 11.53 लगभग में, 11.53 मीटर लगभग। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी क्या आ गई, क्या आ गई, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई लगभग में कितनी आ गई आपके पास, 11.53 मीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। एक मीनार के जड़ से यानी वही पाद से 50.3 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको, फिर ये उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। देखिए आपका यह मीनार हो गया, यह मीनार हो गया, मीनार के जड़ से 50.3 मीटर दूरी पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी। सेम वही क्वेश्चन है, माना माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है, tan लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यानी कि tan 60 बराबर में हो जाएगा h बटा में 50√3। tan 60 का वैल्यू होता है √3 बटा में h बटा में 50√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कुछ नहीं तो मन है, तो h बराबर में हो जाएगा √3 में √3 3 50 3 150 मीटर। इसलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर में 150 मीटर, 150 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था नंबर, कि एक सीढ़ी एक उदग्र दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है कि उस दीवार की चोटी तक पहुंचता है। चलिए समझिए, यह दीवार हो गई, यह आपका भूमि का एक बिंदु हो गया, इस पर मैंने एक सीढ़ी इस तरह से टिका दिया, ठीक है, इसके शिखर तक पहुंच जा रहा है, देख रहे हैं ना, सीढ़ी का जो शिखर है दीवार के शिखर तक पहुंच जा रहा है, चोटी तक पहुंच जा रहा है। सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर है, सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर है, और फिर कह रहा है कि सीढ़ी जमीन पर 60 डिग्री के कोण पर झुका है, ठीक है, क्या कह रहा है, सीढ़ी के पाद, सीढ़ी का पाद यह होगा इससे, सॉरी सीढ़ी का पाद, सॉरी 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 सीढ़ी का पाद दिया होगा, या सीढ़ी है ना जी, सीढ़ी का पाद दिया होगा, सीढ़ी के पाद से 1.5 मीटर दूर है कौन, दीवार, ठीक है, दीवार यह जो है 1.5 मीटर दूर है। चलिए तो इसको लिख देते हैं 1.5 मीटर, 1.5 मीटर क्या कह रहा है, तो दीवार की ऊंचाई इसको मान लेते हैं, यही ना, माना माना दीवार की ऊंचाई, दीवार कह रहा है, दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई h है, अच्छा tan लगाएंगे ना, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा h बटा में 1.5, अच्छा tan 60 का वैल्यू √3 बराबर h बटा 1.5 मीटर, यानी कि h बराबर में हो जाएगा 1.5√3 मीटर। इतना भी चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको लगभग में लिखा जा सकता है, 1.5 में इंटू कर देंगे 1.73 से, लगभग में इसका आ जाएगा 2.598 मीटर लगभग में आएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 595 है, मैंने 8 लिख दिया, 595 आएगा, एक्यूरेट इंटू करके देख लेना, 595 तक आएगा, चलिए 2.595, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, कह रहा है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में है, अच्छा एकदम, और उसमें कोई ढील नहीं है, तब यह भूतल से थीटा का कोण बनाती है, अच्छा जमीन के साथ, भूतल का मतलब जमीन के साथ, ऐसा ना हिंदी दिया यार, सोचने में मजबूर कर दिया, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका भूतल हो गया, भूतल पर यह आपका क्षैतिज रेखा हो गया, और यह डोरी की लंबाई होगी, कितना है, कह रहा है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, यह डोरी है, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, ठीक है, अच्छा ये एकदम तला हुआ है, देख रहे हैं ना, अच्छा यहाँ पे भूतल के साथ पतंग की डोरी थीटा कोण बनाती है, अगर यह कह रहा है कि साइन थीटा बराबर में 8/15 है,
भूतल से पतंग की ऊंचाई, भूतल से पतंग की ऊंचाई क्या होगी? मान लेते हैं, माना माना भूतल से पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई एच है, पतंग की ऊंचाई एच है। तो यहाँ पे आपको साइन थीटा 8/15 दिया है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा में एच, यानी कि एच बटा में 100 बराबर में 8/15। तो एच बराबर हो जाएगा 8/15 और गुना में 100 मीटर, 100 मीटर। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं 5 से, तो 5 या 15 और 20 बने 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 160/3 मीटर आ जाएगा क्या? ये भूतल से पतंग की ऊंचाई, ये आपका हो गया। यानी लगभग में अगर दशमलव में करना चाहोगे तो कितना हो जाएगा? तो 53.33 मीटर लगभग में होगा ये आंसर। ठीक है, यानी कि भूत, इसलिए यानी कि भूतल, भूतल से पतंग की ऊंचाई बराबर में 53.33 मीटर। समझ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई 85 मीटर है। चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पे एक पतंग है, ठीक है, तो ये मान लेता हूँ कि धरती से कुछ ऊंचाई पर उड़ रही होगी ना जी, और यह आपका धरती का तल हो गया, धरती का तल हो गया। ठीक है, अब देखिए धरती के तल पर एक बिंदु है, एक बिंदु से इसके बीच की डोरी जो हो रही है ना, या डोरी की जो लंबाई है पतंग और ये धरती के इस बिंदु के बीच की, वह 85 मीटर है। यदि डोरी जमीन के साथ थीटा कोण बनाती है इस प्रकार की, टेन थीटा बराबर में दिया है 15/8। तो हमें पूछ रहा है यहाँ पर कि पतंग की ऊंचाई निकालनी है, पतंग की ऊंचाई निकालनी है एच। चलिए तो माना 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 पतंग की ऊंचाई एच है, पतंग की ऊंचाई एच है, लेकिन आपके पास तो टेन दिया हुआ है। तब यहाँ से क्या करेंगे? टेन थीटा बराबर 15/8 दिया है और यहाँ पे हमें पतंग की ऊंचाई निकालनी है और कर्ण दिया हुआ है, तो पहले कम से कम या तो आधार चाहिए ना, तभी तो आप निकालोगे लंबटा आधार लेकर, तभी ना आप कर पाओगे यहाँ पर। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे बढ़िया यह रहेगा कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो 15/8 दिया है, तो बाकी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप आसानी से नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए, यह आपका लंब हो जाएगा, लंब, और यह आपका आधार हो जाएगा, यही ना होगा? यानी कि लंब हो जाएगा 15 के, लंब हो जाएगा आपका 15 के, लंब हो जाएगा आपका 15 के, कॉन्स्टेंट इंटू में रहेगा ना जी, और आधार हो जाएगा 8 के। ठीक है, यह आपका 15 के और आधार हो जाएगा आपका 8 के। तो यहाँ पे हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं ना। चलिए, तो कर्ण आपका इसके रेशियो के अनुपात में निकालोगे, ये 85 वैल्यू दिया है, वो लंबाई वो अलग बात है, हमें इसके अनुसार देखना होगा। तो यहाँ पे कर्ण बराबर रूट अंडर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, 15 के का स्क्वायर और प्लस में 8 के का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे 225 के स्क्वायर हो जाएगा, 225 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर। चलिए दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से 289 के स्क्वायर, यानी कि 17 के आ जाएगा, ये कर्ण आपका 17 के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 17 के आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, 17 के आ गया या? तो आप ऐसे भी देख सकते हो, आपका कर्ण आ गया 17 के और कर्ण का वैल्यू दिया है 85, तो यहाँ से के बराबर ये चल जाएगा भाग में 85/17, 5 बार में कट जाएगा, के बराबर में 5 मीटर। ठीक है, तो अब आप देख लो हमें क्या निकलना है, पतंग की ऊंचाई ना, तो पतंग की ऊंचाई
पतंग की ऊंचाई निकालनी थी। तो पतंग की ऊंचाई आपकी एच है और एच किसके बराबर है, 15 के बराबर, यानी कि 15 × 5 यानी कि 75 मीटर यहाँ से आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है किसी वृक्ष पर, वृक्ष का ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। समझिए यहाँ पे, यहाँ पे मैं यह पृथ्वी का तल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक वृक्ष ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक वृक्ष हो गया। वृक्ष का टूटा हुआ भाग, मान लीजिए यहाँ से यह पेड़ टूट जाता है आंधी की वजह से, यहाँ से टूट जाता है और टूट कर ना यह जमीन पर लग जाता है, यह टूट कर जमीन पर लग जाता है, ठीक है, इस तरह से जमीन पर लग गया, ठीक है। ऊपर वाला भाग समझ रहे ना, यह आपका टोटल वृक्ष था, ये वाला भाग टूट गया और यह टूट गया, इसको डॉटेड कर देना हूँ, इतना टूट के ये जमीन पर ऐसे लग गया, ठीक है। पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि वृक्ष की जड़ से, वृक्ष ये रहा और वृक्ष का जड़ यह हो जाता है, तो वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 मीटर है। अच्छा, वृक्ष का ऊपरी सिरा, वृक्ष ऐसे टूट के गिरा है तो ये वाला ऊपरी सिरा होगा ना वृक्ष का, ये वाला सिरा ऊपरी होगा, तो यहाँ से वृक्ष के जड़ के बीच की दूरी जो है वह 25 मीटर है। तो वृक्ष की आरंभ में ऊंचाई याद करें, यानी कि यह टोटल ऊंचाई आपको बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं वृक्ष की ऊंचाई यह जो है x मान लेता हूँ, x मीटर। माना माना वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई क्या है आपकी, x मीटर है, ठीक है। अच्छा, यह वाला हिस्सा है ना, यह वाला हिस्सा y मीटर मान लेता हूँ, ठीक है, y मीटर। अच्छा, तो यह वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, तो यह वाला हिस्सा हो जाएगा x माइनस y मीटर। तो लिखेंगे पेड़ जड़ से लगे हुए शेष पेड़ की ऊंचाई वाई मीटर है, यह हम मान लेते हैं वाई है। तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई होगा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई हो जाएगा ना जी, बिल्कुल, क्योंकि टोटल एक्स है और यह वाई मान है, तो यह एक्स माइनस वाई होगा, तो ये भी आपका एक्स माइनस वाई होगा कि यही ना भाग टूट के यहाँ जमीन पर गिरा है इस तरह से। चलिए यहाँ पे नाम मान लेते हैं ए बी सी और डी। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। चलिए त्रिभुज ए बी सी में मैं यहाँ पर टेन थीटा की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है लंब और बटा में आधार, लंब बटा आधार, यानी कि टेन 30 बराबर लंब, लंब क्या है आपके पास वाई यानी कि बीसी, और बटा में आधार क्या होता है, बीसी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बीसी बटा में ए बी। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 और बीसी का वैल्यू वाई और ए बी जो है आपके पास 25 है, तो यहाँ से वाई बराबर में हो जाएगा आपका ये 25 ऊपर चलेगा गुणा में 25/√3 मीटर, 25/√3। चाहो तो इसका परिमेयकरण कर सकते हो, 25/√3 इंटू कर देंगे √3 से ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 25√3/√3 मीटर, सॉरी बटा में 3 हो जाएगा, √3 मीटर, ठीक है, y का मान निकल गया। अब देखो यहाँ पे लेते हैं, अब यहाँ पे मैं cos थीटा की बात करूँ तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है ना जी, यानी कि cos 30 डिग्री बराबर आधार आपका AB हो जाएगा और कर्ण जो होगा आपका AC हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी कि यहाँ से cos 30 की वैल्यू की बात करें तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू होता है ना जी √3/2 बराबर में AB, तो AB आपका 25 है और यहाँ पे बटा में AC। चलिए एक काम करते हैं, ये इसमें नहीं जाएगा, गुणा करते हैं, ये नीचे लाते हैं, तो यहाँ से AC बराबर में हो जाएगा 50/√3 मीटर, 50/√3 मीटर हो जाएगा, इसका भी परिमेयकरण कर सकते हैं। तो AC बराबर में आ जाएगा आपका, AC बराबर में आ जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 50
बटा रूट तीन, रूट तीन से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, यानी कि हो जाएगा 50√3/3 मीटर। एसी का वैल्यू आ गया, यानी कि एसी का वैल्यू का मतलब हुआ कि एक्स माइनस वाई आ गया, एक्स माइनस वाई आ गया 50√3/3 मीटर। ठीक है, अच्छा वाई का वैल्यू हमारे पास है तो वाई का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं ना, 25√3/3। चलिए तो यहाँ पर रख देते हैं, माइनस में है 25√3/3 बराबर में 50√3/3, ये जाकर उधर जुड़ जाएगा तो x बराबर, ये जाकर जुड़ेगा तो 75√3/3 मीटर। इस तीन से काट देते हैं 25 बार में, तो x बराबर में यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर में आ जाएगा 25√3 मीटर, यानी कि पेड़ की ऊंचाई जो होगी, वास्तविक ऊंचाई जो होगी, पहले वाली जो ऊंचाई होगी वह 25√3 मीटर हो जाएगी। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए, कह रहा है कि एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक धरती का तल ले लेता हूँ, ठीक है, और इस पर एक खंभा बना देता हूँ 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर ऊंचा खंभा है, ठीक है, बिजली का खंभा है। अब कह रहा है एक स्टील का तार खंभे की चोटी से बांधकर, खंभे की चोटी से एक स्टील का तार बांधकर जमीन के एक बिंदु से स्थिर कर दिया जाता है। अच्छा देखे हो ना आप, ऐसे खंभा, पहले जो खंभा होता था उसको तार से बांधकर जमीन पर स्थिर ऐसे कर दिया जाता था, सपोर्ट के लिए उसको किया जाता था ना। चलिए तो इस तरह से फिक्स कर दिया गया। यदि स्टील के तार खंभे के जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री का कोण, स्टील का तार और यह क्षैतिज रेखा यहाँ पे कितना का कोण बना रही है, 45 डिग्री का, तो स्टील के तार की लंबाई निकाल। तो मान लेते हैं स्टील के तार की लंबाई x है, माना स्टील तार की लंबाई, स्टील तार की लंबाई x है, स्टील तार की लंबाई x है, तो यहाँ देखो साइन लगाएंगे ना, क्योंकि लंब दिया है और कर्ण निकालना है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा में एच, यानी कि साइन 45 डिग्री बराबर, चाहो तो इसका नाम भी ले सकते हो, ठीक है, नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, साइन 45 बराबर में क्या हो जाएगा आपका बी सी और बटा में ए सी। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 और बी सी दिया है 10 और बटा में आपका ए सी, तो ए सी आपका है एक्स। चलिए तो एक्स बराबर में आ जाएगा 10√2 मीटर, यानी कि यहाँ से इसलिए कह सकते हैं स्टील तार की लंबाई बराबर में 10√3 मीटर। समझ गए, तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड अदर चैप्टर्स या अदर सब्जेक्ट की लिंक्स की जरूरत हो, अदर क्लास की लिंक की जरूरत हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं, आपको लिंक प्राप्त हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।